जनपद संभल के चंदौसी में मोदी जी के जन्मदिन के दिन विरोध यात्रा निकाल रहे कांग्रेसियों से भाजपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक, गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई। आज जहां सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह के साथ जन्मदिन मना रहा है, वहीं जनपद संभल के चंदौसी के फोबारा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी का पुतला लेकर विरोध यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन जब इस बात की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस क्षेत्राधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और चर्च के पास पहुंचकर कांग्रेसियों की यात्रा निकालने से रोक लिया। जब इस बात की जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को हुई तो वे भी एकत्रित होकर फवारा चौक पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उनकी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जमकर नोकझोंक, गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर कोतवाली आ गए, जहां पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुझे ये कह रहा है, ये देखिए घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आप जानते हैं ये कांग्रेसी वो है सत्ता पाने के लिए राजनीति करते हैं, ये अपना अपने विकास में विश्वास रखते हैं। नरेंद्र मोदी आज इतने विद्वान व्यक्तित्व है जो भारत में ही नहीं विश्व में भी उनकी लोकप्रियता हासिल की उन्होंने, तो आज लोग पूरा भारत जोर शोर से उनका जन्मदिन मना रहा है। और देखिए जन्मदिन में कैसे मना रहे हैं लोग, मनाते हैं केक काट करके, खुशियाँ मनाते हैं, अपना अपना खाते पार्टियाँ करते हैं। आज नरेंद्र मोदी की हमारी पार्टी ने क्या किया कि सब लोग सेवा सप्ताह मनाएं, जो समाज की अंतिम श्रेणी में व्यक्ति खड़ा है उसकी सेवा में खड़े रहे हम लोग। अभी महिला मोर्चा का भी शाम को कार्यक्रम है, लगातार आप देख रहे हैं कि क्या प्रोग्राम हो रहे हैं कि भाई जिनके जिनको चश्मा नहीं उपलब्ध है उनको चश्मा उपलब्ध कराया गया, स्वच्छता का अभियान चलाया गया, ब्लड दान किया गया और आज मनाया गया दिव्यांगों को उनको इंस्ट्रूमेंट में दिए गए। आज शाम को महिला मोर्चा के द्वारा गरीब निर्धन परिवारों में कुछ राशन वगैरह में जाकर उनको फल वितरण किया। अभी हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संजीवनी पैलेस में सेवा सप्ताह के रूप में विकलांगों को जनता की सेवा के लिए विकलांगों को बाद दिव्यांगों के लिए उपकरण बांटे गए थे। तो ये भ्रष्ट कांग्रेस की जो कि भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं और हमारी मोदी सरकार जनता के लिए गरीबों के हित के लिए कार्य कर रही है, उससे इनके पेट में दर्द है क्योंकि इनका पेट भरना बंद हो गया भ्रष्टाचार रोकने से मोदी जी के। तो इन लोगों ने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली कि वो यहाँ तक पुतला ले आए, मोदी जी की अर्थी बता रहे हैं सीओ साहब की, मोदी जी की अर्थी लेकर आए थे फूकने के लिए, लेकिन हम और ठाकरे जी आ गए, हम लोगों ने उस प्रयास को विफल कर दिया। पुलिस जो है, जैसे सीओ साहब मुझे बता रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है क्या नाम राजद्रोह में मुकदमा दर्ज कर रही है पुलिस, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो तो राष्ट्र के नेता हैं, तो प्रधानमंत्री का पुतला फूकने एक राजद्रोह में आता है, तो पुलिस वहाँ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लेकर गई है। हम देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने हम जो आगे कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी पुतला फूका, उसमें आप लोगों ने कुछ विरोध किया है, क्या मामला है, कहाँ सुनी थी आपकी वजह? ऐसा था, जब ये पता है कि एक विश्वव्यापी लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो घर परिवार छोड़कर पूरे देश को अपने परिवार मानकर दिन रात सेवा भाव से लगे हुए हैं, आज जनमानस ने संगठन ने सेवा सप्ताह के रूप में उनका 70वां जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए आज दिव्यांगों के लिए काफ़ी चीज़ें बांटी जा रही थी संजीवनी पैलेस में। इसके बावजूद जिन भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद हो गई, जो फर्जी ये कांग्रेसी कुछ नहीं हो, सेवा भाव कार्यक्रम को भंग करने के लिए मोदी जी के विरोध में अर्थी निकाल के आए, हमारी मंत्री ने अवगत कराया, जिला अध्यक्ष ने अवगत कराया, हम लोग यहाँ आ गए, प्रशासन ने थोड़ा ढिलाई करी यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी सीओ साहब उन्हें लेके गए हैं। हम चाहते हैं ऐसे कांग्रेसी जिन लोगों ने मोदी जी की आज जन्मदिन के अवसर पर जो काम उन्होंने विरोध करके किया अर्थी निकाल कर, ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। आज के दिन इन्हें ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जन्मदिन हर एक का मनता है और सब मनाते हैं, और जबकि मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, लोक कल्याण के रूप में मनाया जा रहा है, आज के दिन अर्थी निकालना ये गलत है, जिसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे अराजक कांग्रेसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसा एक प्रधानमंत्री का पुतला फूकने का ये अर्थी निकालने का साहस न कर सके। पुतला फूका, उसमें आप लोगों ने कुछ विरोध किया है, क्या मामला है, कहाँ सुनी थी आपकी वजह? ऐसा था, जब ये पता है कि एक विश्वव्यापी लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो घर परिवार छोड़कर पूरे देश को अपने परिवार मानकर दिन रात सेवा भाव से लगे हुए हैं, आज जनमानस ने संगठन ने सेवा सप्ताह के रूप में उनका 70वां जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए आज दिव्यांगों के लिए काफ़ी चीज़ें बांटी जा रही थी संजीवनी पैलेस में। इसके बावजूद जिन भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद हो गई, जो फर्जी ये कांग्रेसी कुछ नहीं हो, सेवा भाव कार्यक्रम को भंग करने के लिए मोदी जी के विरोध में अर्थी निकाल के आए, हमारी मंत्री ने अवगत कराया, जिला अध्यक्ष ने अवगत कराया, हम लोग यहाँ आ गए, प्रशासन ने थोड़ा ढिलाई करी यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी
सीओ साहब उन्हें लेके गए हैं। हम चाहते हैं ऐसे कांग्रेसी जिन लोगों ने मोदी जी की आज जन्मदिन के अवसर पर जो काम उन्होंने विरोध करके किया आरती निकाल कर, ये निर्लजता की पराकाष्ठा है। आज के दिन इन्हें ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जन्मदिन हर एक का मनता है और सब मनाते हैं, और जबकि मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, लोक कल्याण के रूप में मनाया जा रहा है, आज के दिन आरती निकालना ये गलत है, जिसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे अराजक कांग्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसा एक प्रधानमंत्री का पुतला फूलने का या आरती निकालने का साहस न कर सके। आपका आरोप है कि आपके ऊपर कुछ बीजेपी ने हमला किया, ये क्या पूरा मामला, क्या आरोप है आपके? भाजपा समय सत्ता के अहंकार में जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी वो इतने चूर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ना तो प्रशासन की कोई डर दहशत उनके सामने है, प्रशासन की मौजूदगी में मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, इन पर हमला किया गया। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको धारा के शांति भंग के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया है, हमें धारा उल्लंघन में नहीं लाया गया, लेकिन हाँ ला के बताया गया और दूसरे पक्ष को वहीं छोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं दबाव के चलते सत्ता और पक्ष विपक्ष की कहानी पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी गाड़ी पर हुटर लगा हुआ है, उसी तरह जा रहा है क्या? ये हुटर नहीं है मेरी गाड़ी पर, केवल माइक है जी, और वो हमारा किसान जनजागरण अभियान चला था, उसको शायद हमने लगा लिया था जी। फिर अब तो कोई बड़ी ना तो मीटिंगें चल रही है नहीं कुछ है, तो वो जरूरत करवाया जा रहा है, ना वो जरूरत नहीं है उसकी, तो हटा रखा ही है बाद में। फिलहाल आपकी मांग क्या है, जिनके जैसा कि आपका आरोप है कि आपको जानलेवा हमला किया गया, उसे कहिए कि आपकी कोई कार्रवाई के लिए कोई मांग है आपकी? जी बिल्कुल, जांच करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर प्रशासन के सामने बदतमीजी हो रही है तो एक आम आदमी के सामने या प्रशासन की गैर मौजूदगी में कितनी बड़ी घटना हो सकती है, तो प्रशासन अच्छी तरह से देख चुका है। उसमें मारपीट नहीं हुई है, दोनों पक्ष के लोग थे, और ये अपना जो सरकार के विरोध में संविदा नियुक्त करने का था उसी के पक्ष में अपना इकट्ठा थे, उनको तुरंत हटा दिया गया, बीजेपी कुछ लोग आए और उसमें विरोध किए, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में करके तुरंत जो कांग्रेसी कार्यकर्ता था उनको थाने पर लाके और उनकी उनके खिलाफ मुकदमा तैयार भी किया गया है, 1144 का उल्लंघन भी किया है, उसका मुकदमा किया गया है, और कांग्रेस की तरफ से भी कड़ी दी गई है, उसमें विधि कार्रवाई की। दूसरी कौन सी पार्टी सामने आई, कौन सी पार्टी? वो बीजेपी के कुछ समर्थक थे। अच्छा, वहाँ पे कुछ अर्थी वगैरह भी रखी थी? वो सब अर्थी थी, लेकिन तुरंत जब हमने देखा तो फिर उसको हटा के तुरंत उन्होंने गाड़ी में रखी। सर, जैसा कि इनका कांग्रेस अध्यक्ष बेसरमा का ये आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमला किया गया है पुलिस की मौजूदगी में, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इनको होटल लगा हुआ उतरवाया जाए, क्या वो अवैध है? कोई नहीं, जानलेवा हमला किया गया, मैं तो मौके पे था, कुछ जानलेवा हमला नहीं, सब मनगढ़ंत बातें हैं जी। इनकी गाड़ी का होटल जो लगा गलत है उसको अभी उतरवाया जाना।